हाय गाइस, मैं पुष्कर कौशिक है। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास खड़ी हुई है हमारे सामने ग्लेंजा, जो कि टोयोटा की तरफ से आती है। आजकल आपने देखा होगा नेक्सा और टोयोटा साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि जो इनकी बलेनो आई थी उसी की फेसलिफ्ट में इन्होंने टोयोटा की तरफ से ग्लेंजा निकाल दी है। ग्लेंजा की अगर हम बात करें तो ये इसका जी मॉडल है और ये इसके टॉप एंड वेरियंट में से एक आता है। बाकी आपको जो फ़र्क दिख रहा होगा सामने से वो ये है कि इधर आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिलता है, वहीं अगर आप बलेनो की बात करो तो उधर आपको मारुति का देखने को मिलता है। फ़र्क सिर्फ दोनों में यही है, बाकी जो आप ग्रिल वगैरह देख रहे हो इसमें बस कॉमन सा डिफरेंस है। इधर आपको सिंगल लाइनिंग देखने को मिलती है, बाकी अगर आप मारुति में बात करो तो उधर आपको थोड़ा वेरियस टाइप का आपको उसमें ग्रिल देखने को मिलती है। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं साइड में आपको हेलोजन ही दिया गया है। नीचे की अगर हम बात करें तो कोई भी आपको फॉग लैंप की प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलती है। बाकी अगर आप नीचे इधर बात करें तो इधर कुछ कार्बन फाइबर टाइप का इसमें कुछ डिज़ाइन देखने की कोशिश करी गई है। दूर से अगर हम गाड़ी की बात करें ना तो भाई चौड़ी तो बहुत है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लगता है कि हाँ कोई बढ़िया सी हैचबैक है। लुक्स में काफ़ी ज़्यादा किलर है। बाकी अगर आप आगे से बात करो तो ये जो क्रोम का ट्रीटमेंट वगैरह इसमें दिया गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन इसको बना देता है। ऊपर की अगर आप बात करो तो इसमें आपको कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं, बाकी आपको एक एंटीना ज़रूर देखने को मिल जाता है। इसमें शार्क फिन एंटीना आपको नहीं देखने को मिलता है, वहीं अगर आप ऑटो फोल्डिंग ORVMs की बात करो तो वो भी आपको इसमें नहीं देखने को मिलती हैं। टायर की बात करें तो इसमें आपको कुछ इस टाइप के डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जिनकी प्रोफाइल है 195/55 R16। इधर आपको टोयोटा का लोगो भी देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप इंडिकेटर्स की बात करो तो आपको फेंडर पर नहीं देखने को मिलते हैं, वो आपको ORVM पर ही देखने को मिलते हैं। डोर हैंडल्स की बात करो तो उन पर भी आपको क्रोम देखने को मिल जाता है, प्लस आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर इधर दिया गया है। पीछे की साइड चलें, इधर पूरी आपको क्रोम गार्निश देखने को मिल जाती है डोर पर, जो कि आगे तक कंटिन्यू हो रही है। पीछे अगर हम आते हैं तो अगर आप टोयोटा का लोगो हटा दें और एक ग्लेंजा हटा दें तो आपको कोई भी नहीं जस्टिफाई कर सकता कि ये बलेनो है या फिर ग्लेंजा है, मतलब दोनों का एकदम सेफ ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है, बस फर्क खाली लोगो का और नेम का है। इधर भी आपको डिफॉवर देखने को मिल जाते हैं, प्लस अपना हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है और नीचे आपको उसके वाइपर देखने को मिल जाता है। इधर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट इधर भी देखने को मिल जाता है, प्लस ये जो वेरिएंट की बैजिंग है वो आपको इधर देखने को मिल जाती है, जैसा कि जी वेरिएंट है। नीचे की साइड आपको चार रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि जिनकी प्लेसमेंट आपकी आंखों के सामने है। बाकी अगर आप इधर की लाइट्स की बात करें तो कुछ ऐसी जलती हैं, बाकी आपको पूरा हेलोजन देखने को मिलता है। इधर आपको LED का इस्तेमाल दिया गया है। LED अगर ये पूरा कवर हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता था, लेकिन मारुति में भी यही सेम ट्रीटमेंट दिया गया है। इधर की साइड सिर्फ आपको चार LED देखने को मिल जाती हैं, बाकी पूरा सेटअप खाली का खाली है। रात में देखो तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइन भी करता है, नीचे का जो पूरा ट्रीटमेंट चलता हुआ आ रहा है। इधर की साइड से कुछ आपको ऐसी इसकी लुक देखने को मिल जाती है, बाकी आपको इसमें क्वार्टर ग्लास की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। गाड़ी चलते हैं अंदर, और अंदर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चाबी सिर्फ आपको अपना सिंपली जेब में डालनी है, उसके बाद आपको अपना रिक्वेस्ट सेंसर दबाना है और आप गाड़ी के अंदर वेलकम हो सकते हैं। गाड़ी की अगर हम डोर की बात करें तो इधर आपको भाई पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। प्लस इधर की आप बात करें तो इधर आपको लेदर का सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर की अगर हम बात करें तो इधर आपको भाई डुअल टोन अपना इंटीरियर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी को बना रहा है। सीट्स की अगर हम बात करें तो आपको कोई भी लेदर सीट्स नहीं देखने को मिलती हैं, वो अपना फैब्रिक का ही इस्तेमाल करा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डुअल टोन है, मतलब इसमें डुअल कॉम्बिनेशन करा गया है कलर्स का। कार की अगर हम सिटिंग पोजीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सही है और नीट है, मतलब कि आपको कोई भी रफ सा महसूस नहीं होगा। बाकी गाड़ी का अगर हम इग्निशन ऑन करते हैं तो कुछ आपको भाई ऐसी फील देता है, मतलब यार प्रीमियम तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप रियल लाइफ में देखो ना, ऑटोमेटिक आपको इसमें क्लाइंट कंट्रोल देखने को मिल जाता है, प्लस गुड इवनिंग भी कहती है आपको टाइम के हिसाब से। और इधर जो इसकी स्क्रीन है ये भाई यार, इधर ये जो मैट फिनिश दे दी ना ये ख़राब कर दिया बस। अगर आप इससे अपर वेरिएंट देखते हैं तो उसमें आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है,
लेकिन इन्होंने ना ये ट्रीटमेंट देके सारे बेस मॉडल बिगाड़ दिए। ऐसे ही मारुति में कराए, ऐसा ही इसमें कर दिया। मतलब बेस मॉडल में भी, एक सेकंड मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, बेस मॉडल इन लोगों ने सारे बिगाड़ दिए ये वाला ट्रीटमेंट देखे। पर्सनली मेरे को ये पसंद नहीं है, काफी लोगों को भाव भी जाता है ये वाला ट्रीटमेंट, पर मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर की साइड जैसा इधर दिया है वैसा इधर भी पियानो ब्लैक फिनिश दे देते तो काफी हद तक बैच हो जाता। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे काफी खाली खाली सा आपको महसूस होता है, क्योंकि इधर आपको दो कप होल्डर दिए गए, इधर आपको यूएसबी का पोर्ट दिया गया है स्क्रीन से कनेक्ट होने के लिए, बाकी इधर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इधर आपको सारे इन्फो ही वैसी बताता है, और सेम आपको वही मारुति वाला देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसके कंट्रोल छेड़ने हैं एमआईडी में तो आपको इधर भाई ये डंडी वाला सेटअप दिया गया। इससे मेरे को यार ये शिकायत है, मतलब इधर बटन्स देते तो इनका क्या बिगड़ जाता, अब इधर ही इतनी भद्दी सी लगती हैं डंडियां, मेरे को किसी गाड़ी में ये पसंद नहीं है पर्सनली। इधर की साइड अगर आप गौर करो तो आपको क्लॉक वगैरह, टॉर्क, पावर ये सबसे ज्यादा बढ़िया चीज लगती है, प्लस इधर अपना एवरेज रेंज वगैरह सब कुछ ये बताती है। और एक जो कमी मेरे को लग रही है वो इसमें ये है कि भाई टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें नहीं है, तो वो एक मेरे को कमी लगी। आजकल सारी गाड़ियों में ही आ ही रहा है लगभग, तो इसमें भी इन लोग को देना चाहिए था। इधर आपको कोई भी मिरर नहीं देखने को मिलता है, प्लस अगर आप इधर की बात करो तो इधर आपको एक मिरर दिया गया है। लाइट्स की अगर आप बात करो तो वो भी आपको यार हेलोजन ही देखने को मिलती हैं, और अगर आप ORVM की बात करो तो वो भी आपको ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलता है, IRVM सॉरी। गियर्स की अगर आप बात करो तो इधर आपको 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। पेट्रोल है जैसा कि ये, तो भाई 5 ही गियर देती है कंपनी पेट्रोल में, तो इधर आपको एक रिवर्स का गियर ऐसे मारने को देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप कैमरा क्वालिटी की बात करो तो वो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा ठीक है, जस्टिफाई कर रही है इस गाड़ी को। प्लस इधर भाई पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, और पियानो ब्लैक जो फिनिश है ना वो काफी ज्यादा ना कार को मतलब महका सी देती है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब पैसे फूके हैं गाड़ी पे। अगर ये इसी की जगह पता है अगर ये मैट फिनिश यही कंटिन्यू कर देते ना तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार सी लगती, भद्दी सी लगती, लेकिन ये अच्छा करा कि इधर भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश दे दी और इधर भी दे दी, तो ये काफी ज्यादा सही काम करा। प्लस अगर आपको इधर आपको अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है साउंड वगैरह रखने के लिए, और जो आपका जो आर्मरेस्ट है ना, सबसे बढ़िया पार्ट ये लगा मेरे को कि भाई ये स्लाइडेबल है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास यार वेन्यू है और उसमें यार स्लाइडेबल आर्मरेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है, लेकिन इसमें आपको ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज लगी, और ये प्रैक्टिकल भी है यार। मतलब कोई बंदा आगे सीट करके चलाता है, कोई पीछे करके चलाता है, सबका हाथ आर्मरेस्ट पर नहीं पहुंच पाता अगर वो फिक्स्ड प्लेस पे होता है, तो इसे आप आगे पीछे कर लेते हो, ये काफी ज्यादा बेस्ट पार्ट है। और इसके अंदर स्टोरेज भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है, हैंड ब्रेक वगैरह सब कुछ ही कवर हो चुका है इस गाड़ी में आगे से। प्लस अगर आप स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करो तो इसमें आपको भाई कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं देखने को मिलता, जैसा कि ये जी वेरिएंट है। और नीचे की साइड आपको कॉलिंग वगैरह के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, और अगर आप बात करो ना HUD की तो वो भी आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। चलते हैं पीछे की साइड और चेकआउट करते हैं कैसे कुछ आपको इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है। बाकी एक और चीज बता दूं, इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट पार्ट है। लेट्स गो टू द पीछे के डोर की बात करें तो इधर भी आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिल जाती है, प्लस आपको इधर भी लेदर फिनिश दी गई है, और पियानो ब्लैक फिनिश आपको इधर भी देखने को मिल जाती है। बैठते हैं गाड़ी के रियर में, और भाई स्पेस तो काफी ज्यादा इसमें अच्छा खासा है, मतलब कि सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, सीट जो है काफी ज्यादा पीछे है, और उसके हिसाब से भी भाई स्पेस काफी ज्यादा सफिशियंट है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा है स्पेस तो। इधर की आप बात करो तो इधर आपको छोटे छोटे से 2 AC वेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि मेरे को नहीं लग रहा भाई इतने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लेकिन पेट्रोल गाड़ी है, चिल्ड तो अच्छा खासा करेगी, तो उस मामले में तो कहीं पीछे रहने ही वाली। प्लस आपको इधर कोई भी आर्मरेस्ट नहीं देखने को मिलता है, तो एक मेरे को कमी लगी। बाकी जो क्वार्टर ग्लास है उससे काफी ज्यादा एयरी सा फील होता है, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी चीज है जो कि इसमें दिया गया है। अगर आप पीछे की बात करो तो इधर भी आपको हेलोजन ही देखने को मिल जाती है अंदर की जो लाइट है, तो ऐसा कुछ सेटअप है पीछे। बाकी अगर आप हेडरेस्ट की बात करो तो वो भी आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, ऐसा कुछ आपको इसमें बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि हाइड्रोलिक्स के साथ सपोर्ट है इसका, 2 आपको इसमें हाइड्रोलिक्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस आपको इसमें पार्सल ट्रे भी देखने को मिल जाती है, और आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कितने लीटर्स का है। बाकी डीप तो काफी ज्यादा है, अगर आप इसकी
गहराई देखो तो काफी ज्यादा, प्लस आपको इसमें साइड में भी थोड़ा बहुत स्टोरेज देखने को मिल जाता है, वाइड भी बहुत है और डीप भी बहुत है, तो काफी ज्यादा बड़ा है। बाकी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगा कितने लीटर का है। इसको कर देते हैं बंद। बाकी आप सभी के मन में डाउट होगा कि यार हम सुजुकी को छोड़ के टोयोटा पर क्यों जाएं, जबकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है और गाड़ी लगभग सेम ही है। वेरिएंट वगैरह की भी अगर आप बात करो तो बस नाम का फर्क है, बाकी सब सारी चीजें आपको लगभग सेम ही देखने को मिलती है दोनों कार्स में। तो फर्क भाई इधर आ जाता है कि वारंटी की बात करो तो टोयोटा आपको ऑफर करता है 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी, प्लस अगर आप मारुति में बात करो तो वो आपको सिर्फ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी देते हैं। अगर आप ग्लेंसा की प्राइसिंग की बात करते हो ना तो एक करीब करीब आपको 8,51,000 रुपये की पड़ जाती है। वहीं अगर आप ऑन रोड से बात करो, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ हाथरस के टोयोटा शोरूम में, तो इधर से आप अगर इसे परचेस करते हैं तो ये आपको 10,18,000 की पड़ सकती है। बाकी डिस्काउंट वगैरह आप उनसे आस्क कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको इंजन स्पेक्स बताऊँ इसके, तो इसमें आपको 1200cc का इंजन देखने को मिल जाता है, 113 Nm का आपको इसमें टॉर्क देखने को मिल जाता है और 89 PS की ये पावर निकालता है। तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, प्लस अगर आपको पेट्रोल में भी माइलेज चाहिए तो माइलेज में भी काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 23 की माइलेज क्लेम कर रही है कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। हाईवे पे बहुत अच्छी माइलेज निकाल भी लेते हैं लोग इस इंजन से। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी कमेंट में जाकर जरूर बताना, और मैंने आपको जो रीज़न बताया ग्लेंजा को लेने का, वो आप मेरे को जल्दी से आस्क करना कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई सबको मिलेगा। वीडियो देखकर आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।